नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। सके दोस्तों, आप सभी जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी सूचना होती है सबसे पहले आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी के में इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो बन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार नई भर्तियों के बारे में रोजगार के मुद्दे को लेकर जो प्रदर्शन है वो देखने के लिए मिल रहा है और छात्रों के माध्यम से बड़ी संख्या में जो आंदोलन है वो किया जा रहा है, जिसके बारे में मैंने पहले से आप सभी को कहा हुआ कि लगातार अगर आप लोग एक साथ रहते हैं, एकजुट रहते हैं, संगठित रहते हैं तो इसका जो प्रभाव होगा वो सरकार के ऊपर अवश्य आपको देखने के लिए मिलेगा और एक ना एक दिन सरकार अवश्य इस मुद्दे को लेकर आप सभी के सामने झुकेगी। लेकिन उसी क्रम में अगर हम बात करें, बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है कि छात्रों के सामने झुक गई है सरकार। नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो छात्रों की मांग देखने के लिए मिल रही थी उसको लेकर सरकार ने जो कार्य वो शुरू कर दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार के माध्यम से यहाँ पर नई शिक्षक भर्ती का जो आयोजन है वो करवाया जाएगा, तो उससे पहले अनिवार्य रूप से यूपी टीईटी तो आपको देखने के लिए मिलेगा। बिना यूपी टीईटी के शिक्षक भर्ती आ पाना संभव नहीं है। लेकिन अब ऐसे में सरकार के माध्यम से यहाँ पर जो तैयारियाँ वो शुरू कर दी गई हैं और यूपी टीईटी को लेकर भी आवेदन की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। मैं आप सभी को सारी जानकारी देने वाला हूँ। जल्दी से आप सभी कर दो वीडियो को लाइक, साथ में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले आप सभी को यहीं से देखने के लिए मिलती है। मैंने कल देर रात को भी आकर आप सभी को बताया था और एक महीने पहले से जानकारी आप सभी को दी थी कि जून के मिडिल में कभी भी यहां से जो प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा और उसके बाद में आप सभी के जो आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे जून के इसी महीने में। हालांकि अब यहाँ पर जल्दी आप सभी को जो आवेदन है वो देखने के लिए मिलने वाले हैं, तो लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि आप सभी को पता है कि छात्रों के माध्यम से कल की तारीख में ब्लैक डे मनाया गया था, जिसमें 7 लाख से ज़्यादा आपको जो ट्वीट है वो देखने के लिए मिले। उसी क्रम में हज़ारों की संख्या के अंदर छात्रों ने अपने घरों से बैठकर धरना प्रदर्शन दिया, तो वहीं दूसरी तरफ छात्रों के माध्यम से मुंडन करवा के भी यहाँ पर कहीं की जो काला दिवस है मनाया गया। प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर संगम के तट पर जाकर बाल मुड़वाकर विरोध यहाँ पर करवाए अभ्यर्थियों के माध्यम से। प्रदेश सरकार की ओर से लगातार लंबित भर्तियों साथ में खाली पदों को भरने की मांग को लेकर लगातार कई छात्र संगठनों के माध्यम से आह्वान पर लगातार युवाओं के माध्यम से बुधवार को प्रदेश भर में काली पट्टी का और साथ ही काली गमछा बांधकर काला दिवस मनाया गया। ट्विटर फेसबुक पर भी इस मुद्दे को लेकर लगातार पोस्ट और साथ में ट्वीट किए गए। जैसा कि आप सभी नीचे देख पाए कि 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का वादा किया था लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ। लगातार छात्रों के माध्यम से मांग की जा रही है कि जल्दी से जल्दी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए। और वहीं दूसरी तरफ आप सभी देख पाए कि युवा मंच की ओर से रोजगार संवाद को लेकर आयोजन किया गया। दूसरी तरफ आप सभी को यहां पर भी देखने के लिए मिलेगा कि नई शिक्षक भर्ती के लिए छात्रों के माध्यम से संगम पर करवाया गया मुंडन। बेरोजगारों के माध्यम से ट्विटर पर अभियान भी लगातार जारी था, जिसके अंदर आप सभी को जैसा कि मैंने बताया कि 7 लाख से ज्यादा जो ट्वीट है वो देखने के लिए मिले। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर नई शिक्षक भर्ती की मांग तो छात्रों के माध्यम से की जा रही थी, लेकिन नई शिक्षक भर्ती तब तक जारी नहीं होती जब तक आप सभी के सामने यूपी टीईटी का आयोजन नहीं हो जाता, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए यूपी टीईटी अवश्य करवाएगी। तो ऐसे में बहुत सारे छात्रों के लिए अच्छी खबर ये है कि सरकार के माध्यम से घुटने टेक दिए गए हैं और यूपी टीईटी 2021 को लेकर आयोजन की तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। मैं आप सभी को दिखा दूँ यूपी टीईटी 2021 के बारे में। जैसा कि आप सभी देखेंगे कि 15 जून से आवेदन लेने की तैयारियां देखने के लिए मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 जून के आसपास शुरू हो सकते हैं। जैसा कि मैंने भी आप सभी को जानकारी दी थी कि 15 जून के बाद, मतलब जून के अंतिम सप्ताह में आप सभी के आवेदन हो जाएंगे, चाहे वो टीजीटी पीजीटी को लेकर हो, इसके अलावा और भी तमाम भर्तियों के बारे में। उसी क्रम में आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर बात करें परीक्षा नियामक अधिकारी सचिव उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने शासन को इस संबंध में प्रस्ताव भेज दिया है। अब शासन की मोहर लगते ही नई समय सारणी का जो अनुसार है आवेदन लिए जाएंगे। हालांकि अभी लिखित परीक्षा तय नहीं की गई है। बेसिक शिक्षा विभाग ने 15 मार्च को यूपी टीईटी 2020 के आयोजन को लेकर, जैसा कि आप सभी को बताएं कि 11 मई को विज्ञापन जारी होना था, 18 से आप सभी के जो आवेदन है वो शुरू होने थे जो कि 1 जून 2021 तक चलने थे, लेकिन उसको कहीं ना कहीं परीक्षा नियामक अधिकारी के प्रस्ताव के अनुसार उसको स्थगित किया गया। लेकिन अब ऐसे में सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि यूपी टीईटी 2020 का विज्ञापन साथ में आवेदन प्रक्रिया शुरू करने का जो प्रस्ताव भेज दिया गया है। ज्ञात हो इस परीक्षा के लिए आवेदकों की तादाद अगर हम बात करें, करीब आप सभी के सामने 10 लाख से ज्यादा होने की संभावना है। एक ही दिन 2 स्तर की जो परीक्षा है वो आपको देखने के लिए मिलेंगी, प्राइमरी साथ में जूनियर की। तो ऐसे में एक बात तो यहां से पूरे तरीके से तय हो जाती है कि यूपी टीईटी को लेकर जो आवेदन की शुरुआत है वो 15 जून के आसपास हो सकती है। सब कुछ डिपेंड करेगा शासन की अनुमति के अनुसार। जैसे ही शासन यहाँ से अनुमति दे देता है, जल्द आपको आगे की कार्रवाइयाँ देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि पीएनबी के माध्यम से कई भर्तियों के जो प्रस्ताव भेजे
पूछे जाएंगे। जैसे कि अगर बात करें एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में, डीएलएड के बारे में भी प्रस्ताव यहाँ से भेजे जाने हैं, अभी तक नहीं भेजे गए हैं, लेकिन फिलहाल पीएनपी के माध्यम से 15 जून से आवेदन लेने की तैयारियाँ कर ली गई हैं। जल्द ही आप सभी के सामने शासन के माध्यम से एक आदेश जारी किया जाएगा, जिसके अंदर आप सभी की आवेदन की तारीख, विज्ञापन की तारीख, साथ ही आप सभी के जो परीक्षा की तारीखों का ऐलान आपको देखने के लिए मिलेगा। परीक्षा कब तक हो सकती है, इसको लेकर आप सभी के मन में सवाल आ सकता है। हालांकि सितंबर के माह में प्रस्तावित है, अगर यहां से 15 जून से आवेदन होते हैं तो अगस्त के अंतिम सप्ताह के अंदर भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो जैसा कि काफ़ी लंबे समय से मैं आप सभी को बता रहा था कि जैसे ही आप सभी का जून आएगा, जून के बाद में परीक्षाओं को लेकर जानकारी देखने के लिए मिलेगी, चाहे वो टीजीटी पीजीटी को लेकर हो या फिर यूपीटेट या फिर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती। अब बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल होगा 1894 एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में, क्योंकि इसका भी प्रस्ताव पीएनपी सचिव के माध्यम से भेजा जाएगा। पिछले दिनों लगातार पीएनपी के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिल रही थी कि जल्दी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव यहाँ शासन को भेजा जाएगा और शासन की मंजूरी के बाद में आपकी जो परीक्षा का आयोजन देखने के लिए मिल सकता है। तो जैसा कि यूपी टीईटी के आवेदन को लेकर तो प्रस्ताव भेजा जा चुका है, अगले 2-4 दिनों के अंदर जल्दी पीएनपी के माध्यम से एडेड जूनियर को भी लेकर यहां से जो प्रस्ताव भेजा जाएगा और उसके बाद में शासन की मंजूरी के अनुसार आप सभी की परीक्षा की तारीखों की जो घोषणा है वो देखने के लिए मिलेगी। बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल है कि परीक्षा कब तक देखने के लिए मिल सकती है। जुलाई के 2 सप्ताह के आसपास परीक्षा होने की संभावना ज्यादा है, अगर यूपी बोर्ड की परीक्षाएं यहां पर रद्द हो जाती हैं तो। जानकारी भी देखने के लिए मिल रही है कि यूपी परीक्षाओं को रद्द किया जा सकता है। ऐसे में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो आयोजन होगा, अगर कोरोना का संक्रमण जैसे जैसे कम होता है तो जुलाई के पहले सप्ताह साथ में 2 सप्ताह के बीच में आप सभी को जो परीक्षा का आयोजन है वो देखने के लिए मिल जाएगा, जिसको लेकर जल्दी पीएनपी के साथ में मुलाकात भी होगी, जहां पर यूपी टीईटी की परीक्षा साथ में एडेड जूनियर को लेकर जानकारी लेने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि यूपी टीईटी को लेकर प्रस्ताव भेजा है, जल्दी एडेड जूनियर का भी जो प्रस्ताव भेजा जाएगा और जानकारी देखने के लिए मिल रही कि पीएनपी के माध्यम से परीक्षा कराने की जो तैयारियां हैं वो जुलाई के 2 सप्ताह के अंदर आप सभी को देखने के लिए मिल सकती हैं, जिसकी घोषणा आप सभी को अगले हफ्ते तक देखने के लिए मिलेगी। फिलहाल जैसे ही प्रस्ताव भेजा जाएगा, जानकारी सबसे पहले आपको ऑनलाइन अड्डा स्टडी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी, तो लाइक करके अवश्य जाएगा, साथ में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये तो बात होगी एडेड जूनियर के बारे में, लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है यूपीपीएससी के नए परीक्षा कैलेंडर के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार यूपीपीएससी के नए परीक्षा कैलेंडर को लेकर छात्रों के माध्यम से इंतजार किया जा रहा है, ऐसे में सोशल मीडिया पर कई तारीखें आपको देखने के लिए मिली, जिसको लेकर छात्रों के मन में सवाल है कि परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कब तक होगा। अब यहाँ पे भी जानकारी आप सभी के सामने आ चुकी है, हालांकि पिछले एक हफ्ते से मैंने आप सभी को बताया कि जल्दी आप सभी के सामने जो परीक्षा कैलेंडर है वो जारी कर दिया जाएगा, ऐसी जानकारी लोक सेवा आयोग के माध्यम से दी गई है। उसी क्रम में आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि जून के मध्य तक जारी हो सकता है आयोग का परीक्षा कैलेंडर। कोरोना संक्रमण के प्रभाव को कम होने लगा है, बदलती अगर बात करें परिस्थितियों को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से अपने कार्य को गति देना होगा। साथ ही अगर बात करें मौजूदा समय में आयोग संशोधित परीक्षा कैलेंडर पर मंथन कर रहा है, सारी स्थिति जैसी ठीक होती है जून के मध्य में संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी किया जा सकता है। मध्य का मतलब यही है कि 2-4 दिनों के अंदर ही जारी होने की प्रबल संभावना है, हो सकता है कि आज शाम को ही जारी हो जाए। अगर हम बात करें तमाम स्थगित परीक्षाओं के बारे में, अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच में कराने का प्रस्ताव है, जबकि प्रस्तावित परीक्षाओं की तारीखें में ज़्यादा हेरफेर होना नहीं होगा ऐसा कहना है। साथ ही अगर बात करें उसका ध्यान रखा जाएगा, कोरोना संक्रमण की वजह से यूपीपीएससी ने अप्रैल में जून तक की परीक्षाओं को लेकर स्थगित कर दी गई हैं। अब अधिकतर जिलों में कोरोना कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है, इसे देखते हुए आयोग ने स्थगित परीक्षाओं को लेकर अगर हम बात करें प्रवक्ता राज के डिग्री कॉलेज, साथ ही अगर बात करें प्रधानाचार्य और भी तमाम भर्तियाँ जिसको लेकर यहाँ पर जो फैसला होना, चाहे वो पीसीएस परीक्षा हो, आरओ एआरओ या फिर इसके अलावा और भी तमाम भर्तियों को लेकर आपको जो ऐलान है वो देखने के लिए मिलेगा, जिसकी ऐलान आप सभी के सामने 1-2 दिनों के अंदर आने की संभावना है। तो यूपीपीएससी का नया परीक्षा कैलेंडर जून के मध्य में आ जाएगा, जिसकी जानकारी मैं आपको पहले से दे रहा हूँ। उम्मीद है कि 1-2 दिनों के अंदर ही आपको वेबसाइट पर देखने के लिए मिलेगा, अगर कोई समस्या नहीं होती है तो। बाकी जो भी अपडेट होगी आप सभी को मिलती रहेगी। वही दूसरी तरफ बात करें यूपी बोर्ड परीक्षाओं के बारे में, जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिलता है कि पिछले दिनों से सीबीएसई के माध्यम से साथ में आईसीएसई के माध्यम से जब से इन परीक्षाओं को रद्द किया गया है 12वीं को, उसके बाद से इंतजार है यूपी बोर्ड की 12वीं परीक्षाओं का। यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल रहा है कि इंटरमीडिएट की परीक्षा भी रद्द होना तय है, रिजल्ट के विकल्प को लेकर यहाँ पे जो मंथन है वो किया जा रहा है। यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षाओं को लेकर जल्द आपको जो घोषणा है वो देखने के लिए मिलेगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग में रिजल्ट को लेकर तैयारी को लेकर मंथन शुरू हो चुका है।
सीएम के साथ जल्द बैठक के बाद इसका जो निर्णय वो आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर लगभग 26 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी जो पंजीकृत हैं उनको यहाँ से राहत देखने के लिए मिल सकती है। ऐसे में अगर बात करें सीबीएसई के माध्यम से पहले से परीक्षाएं रद्द हो चुकी, यूपी बोर्ड के माध्यम से हाईस्कूल की परीक्षाओं को रद्द किया जा चुका है, अब 12वीं परीक्षाओं को रद्द करने को लेकर जल्द आप सभी के सामने विकल्प खोजने की तैयारी देखने के लिए मिल रही है। साथ ही इसके बारे में एक कमेटी बना दी गई है कि यदि इंटरमीडिएट की परीक्षा रद्द होती है तो इसका रिजल्ट किस प्रकार तैयार किया जाएगा, क्या क्या देखने के लिए मिलेगा और कैसे इनको जो प्रमोट है वो किया जाएगा। तो बड़ी अच्छी अपडेट आप सभी के सामने ये है कि फिलहाल परीक्षाओं को लेकर तो ऐलान नहीं होगा इंटरमीडिएट का, क्योंकि यहाँ पर सरकार के माध्यम से रद्द करने की तैयारियाँ जारी हैं, लेकिन इससे कितना प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय के अंदर छात्रों के ऊपर, इसकी जानकारी तो बाद में मिलेगी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कई भर्तियों के अंदर एकेडमिक जोड़ी जाती है, तो किस प्रकार इनको जो अंक है वो दिए जाएंगे ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 69,000 को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 69,000 के अंदर 6,000 सीटों को लेकर विवाद जारी है। रोज के समाचार पत्रों के अंदर कई बार ऐसी जानकारियां देखने के लिए मिल जाती हैं कि 5,000 सीटों पर जल्द काउंसलिंग देखने के लिए मिलेगी। शासन के अधिकारियों के माध्यम से भी कहा जाता है, तो मंत्री जी का बयान हर हफ्ते एक टॉनिक की तरह दे दिया जाता है कि भाई जल्द आपको जो काउंसलिंग वो देखने के लिए मिलने वाली है। लेकिन इस बात को लेकर फिलहाल छात्र बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अभी तक सीटों की संख्या तो जारी नहीं हुई है। पिछले दिनों कई आदेश जारी हुए थे, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। अगर डाटा मिल गया है तो अच्छी बात है, लेकिन इसकी जानकारी अभी तक बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से नहीं दी गई है। कई बार जानकारी लेने का प्रयास किया जा रहा है कि कब तक जो कार्यक्रम है वो जारी किया जाएगा, लेकिन इसको लेकर आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कई ऐसी वेबसाइट्स के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिल रही है, जिनको हम कह सकते हैं कि अपनी मन मर्जी से पॉपुलैरिटी के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं बताया गया कि कब तक आपका जो काउंसलिंग का कार्यक्रम है जारी किया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें शासन के अनुसार यहाँ पर जानकारी ये भी देखने के लिए मिल रही है, थर्ड चयन सूची को लेकर विभाग को जो निर्देश दिए गए उसको लेकर जो कार्य वो लगातार जारी है, लेकिन कार्य कहाँ तक पहुँचा है इसके बारे में कोई भी आधिकारिक नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया है। अगर सब कुछ ठीक है, अगर सही तरीके से डाटा मिल चुका होगा तो हो सकता है कि इसी सप्ताह आप सभी को कुछ देखने के लिए मिल जाए, लेकिन यह सिर्फ हो सकता तक ही सीमित रखना है, क्योंकि जो जानकारी मंत्री जी के माध्यम से दी गई कि इसी महीने आपकी काउंसलिंग होगी, हालांकि तारीख नहीं बताई है, डाटा नहीं मिला है, मिला है कि नहीं मिला इसके बारे में भी अभी तक नहीं बताया है। तो ऐसे में थर्ड काउंसलिंग वाले छात्र बार बार कहने की इस बात को लेकर परेशान है, एक दो दिन इंतजार करें, क्योंकि इंतजार के अलावा दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। छात्र ट्विटर पर ट्रेंड करवा नहीं पाते, SCERT जाकर भी 4-5 लोग मुलाकात नहीं कर पाते जिससे कि उनको बेनिफिट मिले, है ना। तो ऐसे में अभी तक आगे की प्रक्रिया को लेकर कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी शासन के माध्यम से नहीं दी गई है कि कितना इंतजार करना पड़ेगा। बाकी जो मंत्री जी ने कहा है उसके अनुसार अगर कार्य हो भी जाए तो बेहतर होगा। लेकिन वही दूसरी तरफ 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर 6,000 सीटों को लेकर विवाद जारी है। उसी क्रम में आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की विसंगति को लेकर सौंपा है ज्ञापन। जैसा कि पिछले दिनों आप सभी को बताया गया था कि PPE किट पहनकर छात्रों के माध्यम से जो प्रदर्शन है वो किया जाएगा, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की विसंगति को लेकर OBC अभ्यर्थी ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को यहाँ पर कार्यालय पर जाकर जो प्रदर्शन किया, साथ में जो ज्ञापन है वो सौंपा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर 1,46,060 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं, जिसमें उनका कहना है कि 84,000 के समथिंग OBC तो SC के अगर बात करें 24,000 हैं और 270 लगभग ST के हैं। 18 मई 2020 को 69,000 शिक्षक भर्ती के सापेक्ष अनिश्चित अगर बात करें 34,500 OBC और 28,630 OBC के, और साथ ही अगर बात करें SC के 14,490 और ST के 1380 सीटों के निर्धारण किया गया था, उसी के अनुसार यहाँ पे MRC वाले छात्रों को कहने की जो धोखा है वो देखने के लिए मिला है, नुकसान हुआ है। मतलब MRC वाले छात्रों के माध्यम से प्रदर्शन किया जा रहा है, ज्ञापन भी सौंपे गए हैं, लेकिन थर्ड काउंसलिंग को लेकर फिलहाल जो मंत्री जी ने जानकारी दी है बस उतना ही जो कार्य वो किया जा रहा है। तो ऐसे में अभी अधिकारियों के माध्यम से ना तो कोई पत्र जारी हुआ है और ना ही आगे की जानकारी को लेकर कोई भी सूचना देखने के लिए मिली है। कोई भी अपडेट होगी तो आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।